कर्नाटक में छिड़े हिजाब विवाद को अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि अब यहाँ एक और विवाद छिड़ गया है। इस बार विवाद हिजाब, हनुमान चालीसा या लाउडस्पीकर को लेकर नहीं बल्कि एक किताब को लेकर है, और ये किताब है बाइबल। दरअसल बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि छात्रों को स्कूल में बाइबल लाना अनिवार्य है। अब इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। स्कूल के इस आदेश के बाद पालकों और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि स्कूल में गैर ईसाई बच्चों को जबरन बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पालकों ने इसे एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन भी बताया, साथ ही स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। जबकि स्कूल का कहना है कि पवित्र ग्रंथ से बच्चों को अच्छी बातें सीखने को मिलती है। हालांकि इस मामले पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। दरअसल बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल ने प्रवेश के लिए एक आवेदन में एक क्लॉज जोड़ा था जिसमें पालकों से कहा गया था कि आप पुष्टि करते हैं कि आपका बच्चा अपने स्वयं के नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए मॉर्निंग असेंबली, स्क्रिप्चर क्लास, क्लबों सहित सभी कक्षाओं में भाग लेगा और स्कूल में बाइबिल ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। अब इसी आखिरी शर्त पर हिंदू पालकों और संगठनों को आपत्ति है, जिसके चलते इस स्कूल के सामने लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले कर्नाटक के ही उडुपी में क्लास में हिजाब पहनने पर रोक को लेकर विवाद हुआ था। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां कोर्ट ने भी राज्य सरकार के इस फैसले को जायज ठहराया था।